लग रही है ना भाई, प्यारी लग रही है ना चीज। ये देखो भाई, अब इसके ना एक एक चीज बताता हूँ आपको मैं, प्रॉपर चीजें बताता हूँ भाई को, पूछ पूछ के आपको सारी चीजें बताता हूँ इसके बारे में। वैसे ना भाई भाई हॉर्न लगे पड़े। ये देखो भाई, पहले तो ये देखो, पहले ना इसकी आपको ना आवाज सुना दो भाई, आवाज सुना दो इसकी एक बारी। अरे भाई तो भाई देखो बात ऐसी है ना। हेलो पेंथर्स, वेलकम बैक अनदर न्यू व्लॉग एंड गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम सब लोगों को। भाई साहब आज ना बहुत जल्दी उठ गया मैं, मम्मी ने उठा दिया बहुत जल्दी, चाय पी अभी जस्ट, ठीक है, चाय पी के और बैठा हूँ एकदम मस्त तरीके से, धूप सेक रहा हूँ, 8:30 बज रहे हैं। ये देखो भाई गाँव गाँव की मोर वो दिखाऊँ आपको, गाँव की धूप। ये देखो भाई गाँव की मॉर्निंग ऐसे होती है, एकदम छत भी रहती है और एकदम चाय भी रहती है और फिर अपन सेकते हैं भाई धूप। तो भाई पता है आज का प्लान कुछ ऐसा रहने वाला है, आज सर्दी मतलब क्या बताऊँ अभी सर्दी का क्या सीन है, अगर मॉर्निंग में 5:30 बजे उठ जाए ना, सच बताऊँ जम जाऊँगा भाई मैं, ऐसी बुरी सर्दी हो रही है, इसलिए तो देखो धूप हो रही और मैं एकदम मस्त धूप सेक रहा हूँ जहर तरीके वाली। तो अभी देखता हूँ भाई, नहाऊँगा धोऊँगा उसके बाद, नहाने धोने के बाद क्या करूँगा, वेट करूँगा साहिल का फ़ोन आएगा ना तब चलेंगे वहाँ पे, दोनों जाएंगे हम लोग, आदिल भाई भी आएगा, फिर दिखाऊंगा आपको। अभी तो भाई नहाने धोने का टाइम, अपने पैंथर भी गंदे हो रखे हैं, उसको भी मेरे को ना धुलाई वुलाई करनी है भाई, उसके बाद फिर देखते हैं। और आपको वो दिखाऊँ, गेहूँ दिखाता हूँ, गेहूँ। हाँ अरे ये किसने काट दिया, अरे इधर नहीं उग रहे, देखो उधर उग रहे, देखो उग रहे, ये ना ग्रीन कलर के, देखो ये उग रहे, ये उग रहे, ये उग रहे, ऐसा है। तो चलो कोई नहीं भाई, तो मस्त धूप सेकता हूँ भाई पहले तो ना, फिर नहाऊंगा धोऊंगा उसके बाद मिलता हूँ आपको फटेक से। देखो नहा लिए धो लिया, ये अपने हाथ में अपना रहा स्वेटर, तो चलते। देखो मैं आपको ना अपनी एक बार बाइक दिखा देता हूँ भाई, एक बार ना कल मैंने जब बाइक दी थी ना भाई, है ना, मांग ही नहीं दूंगा वापस से, ऐसा सीन है। कल मैंने बाइक दी थी ना मेरे को, मैं पता है 2000 पर डिस्प्ले इसे चेंज करवाया था, इस बारी गलती हो गई भाई, इस बारी ना गलती भी मोटी हो गई। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो डिस्प्ले पूरे खत्म हो लिए भाई, आफ्टर मार्केट लगवाए थे मैंने। और ये देखो प्लेट ना भाई पूरी एकदम ऐसा आवाज कर रही है, ट्रेन की पटरी आवाज करती है ना, ऐसा आवाज कर रही है, और आग जल रही है जो अलग। तो आज और आज देख भाई कितनी बुरी हुई मेरे साथ, आज मार्केट और बंद, मंगलवार पूरा मार्केट में घूमे और डिस्प्ले ना आए कहीं भी। तो अब यामा के शोरूम से देखेंगे भाई, देखते हैं क्या सीन है, और चलते आज। तो ये बाइक तो अपनी रहेगी घर पर, मुझे अंदर ले जा बाइक के अंदर, भीतर खड़ी कर दो, इतना ब्रेक मत लगा बिल्कुल भी, पाँव ही मत रख। भाई धो धा के एकदम ऐसा कर रखे एकदम मैंने जहर, ठीक है यार, एकदम दर्द होता है भाई दिल में। कोई नहीं भाई, 2 दिन हो गए भाई मैं इसको लेके नहीं जा रहा कहीं भी। तो अब पता है भाई कहाँ चलते हैं, अब चलते हैं अपन साहिल के पास ना। देखो सोनू भाई आया पड़ा, आज इसके साथ ही चलेंगे भाई, राइड करेंगे एकदम जहर वाली, मजा आएगा पता है। चले फिर, सर्दी ना लग रही तो गाइस, देखो मैं तो सेफ्टी लेके जा रहा हूँ अपने पहले ही, चल फिर चलते हैं। तो गाइस चलते हैं सीधा साहिल के, उधर मिलते हैं आपको। गाइस देखो घर पे आया हूँ, देखो मेरी मेरी वो देखो, मेरे को देख के मच्छर हो रहा है। अरे नहीं 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 कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो मोनू कहाँ, मोनू का यही सौदा है। तो भाई देखो ये अपना भाई जिसकी ब्लैक एमटी, हाँ भाई कैसा है, क्या नाम है यार, नाम तो बता। वाजिद अली, वाजिद अली, ब्लू ब्लू है। तो देखो अब थोड़ी देर में साहिल का तो सीन ही रहता है, गुल गुलू, बाहर निकल बाहर निकल बाहर निकल आओ बाहर निकल आओ, आ जाओ आ जाओ, हाथ मिलाओ इधर से, ये लो हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ साहिल का दोस्त। मेरी बुरे दिन चल रहे भाई, अपनी एमटी में गाइस बताओ इनको कमेंट करके क्या हो गया, कल लेके आऊंगा मैं, फिर भी नहीं लेगा। अरे उसमें यार वो मैं चलाता नहीं, मेरी नई बाइक ज्यादा ना है भाई, उसको नया का नया रखते हम। चलो बिल कवर किधर है, अंदर है, अंदर है, अनबॉक्सिंग कर ली अभी, कहां कुछ नहीं करी, आप करोगे भाई। जिस बाइक की मैं बात कर रहा था ना, स्प्लेंडर मॉडिफाइड, आपने एक वीडियो में देखी होगी, अजय भाई की दुकान पर अपन बैठे थे ना, तो मैंने आपको दिखाई थी भाई वो स्प्लेंडर मॉडिफाइड, वो दिखाता हूँ देखो आपको, मनु भाई की। ये देखो इधर के साइड लग रही है ना भाई, प्यारी लग रही है ना चीज। ये देखो भाई, अब इसके ना एक एक चीज बताता हूँ आपको मैं, प्रॉपर चीजें बताता हूँ भाई को, पूछ पूछ के आपको सारी चीजें बताता हूँ इसके बारे में। वैसे ना भाई जो स्प्लेंडर लवर है ना, अब देखो ये चीज, ये बाइक है तो भाई सब रखते हैं। ये देख लो भाई MT15 आ गया, इसका भी क्रेज चल रहा है, ब्लू वाली का, इसका भी पहले क्रेज चला था, इसका भी चल रहा है। और ये बाइक है भाई, इसका ना पहले से चलता था और अभी भी चल रहा है,
तो अभी आपको बताता हूँ इसके बारे में। भाई ने देखो क्या क्या काम करवा रखा है, वैसे एक नंबर बाइक लग रही है देखने में ना, मतलब मैं बता रहा हूँ ना, जब रोड पे चलते ना लोग उसको नहीं दिखते, इसको देखते हैं। भाई फ्रेश हो के आ चुका है। तू कुछ बोल देगा तो मैं डाल दूंगा, ये क्या मतलब है? मतलब मैं ऐसे मतलब कुछ बोल दूंगा, वही तो बोल रहा हूँ, कुछ बोल दूंगा डाल दूंगा। ठीक है, तो अभी आपको बताते हैं भाई इसमें भाई ने क्या क्या करवा रखा है। ठीक है, वैसे मैं ऊपर ऊपर एक बार बता देता हूँ आपको। मनु भाई कम हियर, यहाँ पे आओ। तो देखो भाई इतनी भीड़ लगी रहती है जब मैं वीडियो बनाता हूँ ना, देखो इतने बंदे खड़े रहते हैं एकदम चारों तरफ ऐसा है। तो ये है अपने मनु भाई जिनकी बाइक है, कैसे हो भाई? बढ़िया ब्रदर। ठीक है, तो थोड़ा यार अपनी बाइक के बारे में बताओ यार हमें। तो देखो भाई ने, मैं आपको एक चीज एक एक करके बता देता हूँ। भाई ने देखो सबसे पहले लगवा रखे टायर, ठीक है, उसके बाद लगवा रखे एलॉय व्हील्स, उसके बाद लगवा रखे भाई ने देखो ये ना रूट से हॉर्न लगवा रखे, उसके बाद भाई क्या है, हाँ ठीक है सामने देखो नंबर प्लेट नहीं है, भाई का नाम है ना, और उसके बाद इतना ज़्यादा कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, और पीछे जो टेल होती है ना वो भाई ने हटा रखी है, और कुछ स्टिकर वगैरह और इंस्टाग्राम आईडी वगैरह का नाम लिखा पड़ा है इसके ऊपर। तो धीरे धीरे करके आपको बताते हैं भाई ने क्या क्या प्राइस पड़ी है, और भाई ने कितने कितने में लगवाई, कितना कॉस्ट आया, तो वो चीज़ बताते। तो भाई सबसे पहले बताओ ये टायर कौन से सेक्शन के और कितने के पड़े? ये टायर रालको कंपनी के 110 साइज है। अच्छा, ये पड़ते हैं 2400 के। 2400 के तो सेट पड़ता है पूरा? नहीं, सिंगल टायर 2400, सिंगल टायर 2400 रुपए का। तो भाई देख लो सिंगल टायर, अब एक बार देखो क्वालिटी दिखाते, तो एकदम बहुत प्यारे लगते हैं, हमारी एमटी के लगते हैं भाई इतने मोटे पीछे के। और ये रेलको कंपनी के भाई ने बताया 110 है ना, 110 एक आता है 2400 रुपए का सिंगल टायर। ठीक है, एक तो ये हो गया। उसके बाद बताते भाई एलॉय व्हील कहाँ से मंगाया आपने? एलॉय व्हील मैं दिल्ली से जाके खुद लेके आया था। अच्छा, दिल्ली से खुद लेके आए थे पर्सनली? वो भाई सिर्फ 6500 रुपए के। तो भाई 6200 रुपए के देखो एलॉय व्हील भाई ने लगवा रखे हैं, ये रे बहुत प्यारे लगते हैं। इसमें ब्लैक और आते हैं ना शायद? ब्लैक वाले आते हैं। हाँ ब्लैक और आते हैं, इसमें मैंने देखा था एक बाइक में लगे पड़े थे, तो भाई ने व्हाइट वाले लगवा रखे, क्योंकि व्हाइट भाई को ना थोड़े जच रहे, इस वजह से बाइक अच्छी लग रही है, ब्लैक वाले दिखते नहीं इतने। तो ये दोनों कितने के पड़े? एक 6200 रुपए का है। नहीं, दोनों दोनों है ना, तो दोनों सेट भाई 6200 रुपए का पड़ा है अपने को। और पराडो नाम है? पराडो ओरिजिनल कंपनी। पराडो ओरिजिनल कंपनी, ठीक है। उसके बाद देखो भाई हॉर्न लगे पड़े, ये देखो भाई, पहले तो ये देखो, पहले ना इसकी आपको ना आवाज सुना, तो भाई आवाज सुना दे इसकी एक बारी। अरे भाई एकदम जहर वाला है। तो एक मिनट, ये देखो भाई। हाँ भाई बता। हाँ ठीक है भाई, डन। तो भाई देखो आवाज देखो, नो डाउट बहुत प्यारी और बहुत लाउड है भाई, एकदम कहीं अगर किसी के सामने बजा देना तो डर जाएगा बंदा। तो भाई ये एक बार दिखाओ मेरे को, ये हॉर्न बताओ भाई कितने रुपए के लिए, कौन सी कंपनी के? ये हॉर्न रूट्स ओरिजिनल ओरिजिनल है। अच्छा, ये 2200 रुपए के, 2200 रुपए के आए थे, ठीक है, रूट्स के ओरिजिनल 2200 रुपए के आए थे। और लगवाना वगैरह ये चीज तो अलग है ना सब में, लगवाना सब कुछ अलग। ये जो चीज आप बता रहे हो तो ये तो मतलब उनका प्राइस है, चीज का प्राइस है ना, वो तो लगवाना वगैरह तो अलग है, ठीक है। और भाई ने देखो सामने टाइम ये कर ब्लैक करवा रखा है ना, इसमें तो दिख जाता है क्या सामने फोकस? है अपने लाइट बंद करवा रखी और ये लगवा रखी है इसके लिए सामने फोकस के लिए उल्लू लाइट। अच्छा, एक बार जला के दिखाओ तो उल्लू लाइट ट्रेंड पे। ये देखो भाई बहुत प्यारी लगती है, बुलेट्स में आती है भाई ये, ज्यादातर मैंने देखी थी। ये देखो भाई फोकस तो बहुत तगड़ा है ना इसका, बहुत आगे तक है। ये देखो भाई कितनी प्यारी लग रही है ना। तो भाई ने भाई शौक कर रखा है स्प्लेंडर का ऐसा है। तो उसके बाद भाई इसमें क्या है, यही है ना सारी चीजें है ना, और कुछ देखो भाई ने थोड़ा ना स्टिकर वगैरह करवा रखा है, और इस पे वो शायद वो करवा रखी है आपने स्मोक ब्लैक है ना, स्मोक ब्लैक, इसमें लेमिनेशन करवा रखा है, और मीटर पे भी साइलेंसर भी लगवाओगे? तो भाई इसमें साइलेंसर भी लगने वाला है RX 100 का, भाई क्या लगेगी, एकदम चीज लगेगी भाई है ना। और पीछे के साइड देखो भाई ने, ये पीछे के साइड देखो भाई ने जो टेल आते हैं ना इसमें, वो भी हटवा रखे, हटवा रहे की शायद वो कटवा रखे भाई, कटता है, हटता थोड़ी है ये, कटता ही है। अच्छा डायरेक्ट कटता है ना। तो भाई ने पीछे के साइड भाई देखो ये कटवा रखी है यहाँ से। अच्छा फिर जैसे मान लो कीचड़ वीचड़ में चलाते हो यार, दिक्कत तो आती होगी थोड़ी बहुत है ना, थोड़ी बहुत दिक्कत आती है। तो भाई थोड़ी भाई अगर देखो शौक पूरा करने है तो भाई देखो तो लेना, रिस्क तो लेना पड़ेगा है ना। अच्छा तो भाई ना मैं आपको ना सबसे पहले देखो एक चीज बता देता हूँ, एडवांटेज भी है भाई कुछ और कुछ कुछ नुकसान भी है हल्के फुल्के, तो वो चीज बता देता हूँ आपको एक बारी। देखो एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात है जी, अगर देखो भाई शौक पूरे करोगे तो भाई कुछ तो आपको नुकसान झेलना पड़ेगा इसका, ठीक है। अब देखो इसमें इतने भारी भारी टायर लग रहे पड़े हैं, ठीक है, तो अगर ये लगाओगे ना तो एवरेज माइलेज तो गिरने वाली है डेफिनेटली भाई, पक्की बात है। ये कहाँ देती है 40 की, तो आप ये समझ लो आधी हो जाएगी इतना है, और फिर आपके चलाने के ऊपर रहता है 20-25 के आसपास आ जाएगी, ठीक है। और दूसरी बात ये वजन भाई बहुत ज़्यादा गिर जाएगा, स्पीड जो गिर जाएगी इसकी, तो वो चीज़ भाई आपको झेलना पड़ेगा। बाकी ओवरऑल लुक आप देख सकते हो भाई कितनी प्यारी लग रही है। और हाँ वो जैसा कि भाई एक चीज़ और है, सबसे बड़ी बात ये कोई लीगल नहीं है, सब इलीगल है इसमें, ठीक है, वो आप अपनी रिस्क पर चला सकते हो, जहाँ पुलिस वाले ने पकड़ लिया तो वहीं आपकी सीज भी हो सकती है, चालान वालान का तो पता नहीं हमें,
लेकिन इतने सारे मॉडिफिकेशन अगर कराओगे तो भाई सीज का ही चांस है। तो हमें तो यही सजेस्ट करूंगा भाई मत कराओ, और कराओ तो अपनी रिस्क पे कराओ। तो एक बार चला के दिखा देता हूँ आपको मैं। तो भाई देखो बात ऐसी है ना, ऊपर बदमाश है भाई, ऊपर बदमाश है। चलो भाई बदमाश कोई नहीं, आपने देख लिया हॉरर मैंने आपको दिखाया इसका। भाई ने बहुत प्यारी मोटिवेशन करवा रखी है इसमें, जितना था मैंने आपको सब बता दिया। और हाँ इन फ्यूचर इसमें ना वो आने वाला क्या बोलते हैं ना, साइलेंसर भाई बोल रहा है, एक जोस्ट आ रहा है उसका, RX 100 का आ रहा है। तो भाई वो भी आपको दिखाएंगे जल्दी, ठीक है? तो वीडियो में बने रहना आप। तो भाई देखो वहाँ पे ना वीडियो शूट करके हम लोग आ गए थे, थोड़ा सा ना मतलब ब्लॉग बना के ना वहाँ पे थोड़ा रील वील शूट करने के लिए आ गए थे। ये देखो इधर के साइड बिल्डिंग और इसके जस्ट सामने देखो प्यारी लोकेशन है। तो यहाँ पर ना हम लोग रील वील शूट करते हैं, रील वील शूट करके यहाँ पे, और फिर यहाँ से निकलेंगे घर पे, क्योंकि भाई लेट नहीं होना, सर्दी बहुत ज़्यादा हो रखी है। तो यहाँ से देखो कितनी प्यारी लग रही है भाई, ये देखो भाई देख रहे हो, ठीक है? घर निकलते हैं, घर पे मिलते हैं फिर आपको सीधा। लो जी लो आ गए घर पे। मैंने ना शाम को व्लॉग कई बार कंटिन्यू नहीं कर पाता क्योंकि भाई ना बहुत ज़्यादा सर्दी हो रखी है, मैं आ गया सो जाता हूँ भाई, तो ऐसा सीन है। तो आपको ना कैसी लगी भाई वो बताना, मॉडिफाइड जो अपनी स्प्लेंडर है वो कैसी लगी यार, कमेंट करके ज़रूर बता देना भाई, क्योंकि भाई एक नंबर ही मैंने चलाई ना भाई, बड़ी मस्त चल रही थी वो। और जो व्हील कवर है वो हम अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे, ठीक है, अनबॉक्सिंग के। एंड देन उसके बाद मैं आपको उसके लगाने के इंस्टॉलिंग के भी बता दूंगा, ब्लू कलर के बिल्कुल डिफरेंट व्हील कवर है, तो वो देखना आप नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? तब तक के लिए भाई बाय बाय एंड सेफ राइड।